गुड मॉर्निंग भैया सभी बच्चों को। सुनील कुमार, चलिए जुड़ जाएं सभी बच्चे जल्दी जल्दी। वीडियो क्लियर है भैया, देख पा रहे हैं आप लोग? आवाज सुन रहे हैं क्लियर? आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं सभी बच्चे? यस सर गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर सर। आकाश जीतू ऑफिशियल, सुनील कुमार, आकाश मौर्य गुड मॉर्निंग। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्लियर, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, वह भी बेहतरीन क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उनके संबंध में देखने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसको स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे इसको एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सुबह सुबह की क्लास है, बड़ी भाई बंधु जो है कि अभी जग भी नहीं पाए होंगे ना, लेकिन चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जग गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे लोग जागते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा, अब स्टार्ट हो गया है तो आगे कदम बढ़ाइए, फिर तो चीजें चलती रहती है ना। राधे 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 सभी बच्चों को, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, आप लोगों का बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हेलो दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड पे। और दोस्तों आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, जो लगातार हर विभिन्न तरह के कोई भी एग्जाम होते हैं वहां पे इस तरीके के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही अब पहला प्रश्न आप लोगों के आंखों के सामने आता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर दें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो पहला ही प्रश्न है, हाँ वेरी गुड, ए वेरी गुड सभी बच्चों का। अरे ए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु, यार एक भी लड़का सही जवाब नहीं दे रहा है, एक भी लड़का सही जवाब नहीं दे रहा है। याद रखना यार, जो जीव विज्ञान शब्द जो दिया है, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जीव विज्ञान शब्द लैमार्क तथा ट्रेवी रैनफ ने। लैमार्क जो है यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? लैमार्क जो है फ्रांसीसी, और ये ट्रेवी रैनफ जो है यह जर्मन वैज्ञानिक है। इन दोनों के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है 1802 में। तो यही सभी बच्चे एकदम दिमाग खोल के बहुत अच्छी तरीके से बता दे, ठीक है, अरस्तु जनक है। हाँ सुनील कुमार, देखिए इसीलिए आप लोगों के लिए ये काला अक्षर भी मैं यहाँ पे स्पष्ट रूपेण देख पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे ना। तो सोचिए कि अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आप लोग गलत करेंगे तो काम कैसे चलेगा ना, गई भैंस पानी में, समझ लेना बेटा ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं तुरंत, हमने भी जो है कि आप लोगों का हमने चैनल अपना खोल लिया, चलिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट आसानी से पढ़ सकूं और मजा आना शुरू हो जाए तुरंत। चलो भैया, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया। याद रखना, अगर पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी ना, फादर ऑफ अगर बायोलॉजी पूछेगा तब आप क्या बताओगे? तब बताओगे अरस्तु, तब क्या बताओगे? अरस्तु। और फादर ऑफ जूलॉजी पूछेगा, जूलॉजी, तब आप क्या बताओगे? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी जब पूछेगा तब आप क्या बताओगे? तब बताओगे थियोफ्रेस्टस। क्या बताओगे? थियोफ्रेस्टस। इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना
कि फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफेस्टस। क्लियर? एक के साथ पांच प्रश्न, हर प्रश्न के साथ पांच प्रश्न तैयार कराऊंगा, पढ़ाऊंगा 50, लेकिन हो जाएगा 250 से एक भी प्रश्न कम नहीं होगा, वो भी एक घंटे के अंदर। तो आपने देखा कि यहां पे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क या फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, और ट्रेवी रेनस या जर्मन वैज्ञानिक था। 1802 में इन लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी तो आप बताओगे अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी पूछेगा तो बताओगे अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी पूछेगा तो आप क्या बताओगे बच्चों? थियोफेस्टस। क्या बताओगे? थियोफेस्टस। चले आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। तो मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? चलो ये भी देख लो, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? चलिए दीजिए जवाब इसका भी, जल्दी जल्दी चलते रहिए आप लोग, मैं हट जा रहा हूं, एकदम देख पाओगे आप लोग स्पष्ट। मुझे पता रहता है कि आप लोगों को सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि हम देख नहीं पाते, तो देख तो एकदम सूक्ष्मदर्शी की तरफ पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लो देखो और जल्दी से जवाब दो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न छांट के लाया हूं, एकदम दिमाग की बत्ती जला देगा एकदम अंदर से। चलो सो ही रहे हो यार, जागोगे? मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक क्या था, कौन था? ऑप्शन डी, लीवेनहॉक, निधि वर्मा। चलिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ऑप्शन सुख खान, डी ऑप्शन, वेरी गुड, दोनों के दोनों गलत। मैं तुरंत आगे बढ़ रहा हूं बिना समय बर्बाद किए। इसका आंसर होगा बेटा एंड्रियास वेसलियस। क्लियर? कह रहे मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला, ठीक है, मानव शरीर की रचना मतलब मनुष्य के शरीर की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारा रचना बना हुआ है, जो हमारे बॉडी है, इसके बारे में अगर पूछ लिया कि सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो सबसे पहले किसने पता लगाया था बेटा, याद रखना। सर बायोलॉजी की क्लास अभी नहीं की हम लोगों ने, नहीं किए तो डायरेक्ट यहाँ पे आने वाला प्रश्न करो ना, पूरा बायोलॉजी एक बार लपेट देंगे, टेंशन ना लो, एकदम अच्छी तरीके से मारेंगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा, जितना पढ़ा रहे हो उतना देखते रहो। और पूरा बायो, बायो की क्लास नहीं लिए हो तो इसी चैनल पे एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी, जो इस समय आप अपनी आंखों से इस चैनल को देख रहे हो, यहीं पे जाके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बायोलॉजी जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह के नाम से, वहां पे जाइए, पूरी की पूरी वीडियो बना के रखा हूं एक एक टॉपिक की, वहां से इसको देखिए तुरंत। चलिए दिमाग के अंदर, तो एंड्रियास वेसलियस मानव शरीर की, और यहीं पे अगर पूछा जाए कि फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी अगर पूछेगा कि कार्यकी का अध्ययन यानी शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किसके किया जाता है? बहुत जल्दी प्रदीप यादव, बहुत जल्दी आप लाइन खुलेगा, पहले ऑनलाइन का आनंद लीजिए, पहले जो आनंद दे रहे हैं उस आनंद को लीजिए, वो भी आनंद देंगे जबरदस्त तरीके से। मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो एंड्रियास वेसलियस था, ठीक है, कौन था? एंड्रियास वेसलियस था, और इसके अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि जो मतलब कार्य करने की क्षमता ना, जिसको हम कार्यकी कहते हैं, उसका अध्ययन, कार्यकी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्यकी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एकदम दिमाग खोल के समझ लो, फिजियोलॉजी किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलो आते हैं हम लोग, तुरंत आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न आप लोगों के आंखों के सामने आ रहा है। चलो अब रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अच्छा सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर तो करते चलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मजा तभी आएगा ना जब उधर से भी मजा आएगा कि सारा मजा इधर से लोगे। चलो
ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हमें पता है कि अभी जो है कि दुनिया सो रही है, आप लोग जग चुके हो, तो कुछ जागते हुए इंसान तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत सही। ताज मोहम्मद, चलिए आरसीएम क्लास भी आ चुके हैं, बहुत सही। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को जितने हैं, गुड मॉर्निंग। तो चलता रहेगा, इधर ऑप्शन बताओ। लो मैं दूर हट गया। कह रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है मेरे भैया? देख लो अपनी आंखों से, अपने खुद की निगाहों से देख के, अपने खुद की निगाहों से आंसर दो। और जहां तक मुझे पता है कि इसका आप इसका आंसर सभी बच्चे एकदम सही देंगे। वेरी गुड, विलियम हार्वे, बहुत सही बच्चों। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लियर, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो विलियम हार्वे। सभी बच्चे यहां पे एकदम अच्छी तरीके से याद रखेंगे, विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? 1628 में आया था विलियम हार्वे और इसने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड बहता है या धमनियों में बहता है, केशिकाओं में बहता है ना, यानी धमनी हो गया, सिराएं हो गई और आर्टरी यानी केशिकाएं हो गई, इसी में बहता है हमारा जो ब्लड बहता है वह पतली पतली, ये देख रहे हो ना यहाँ पे पतली पतली नली यानी नसी टाइप की दिखती है, इसी को धमनी कहते हैं, इसी को सिरा कहते हैं और इससे पतली पतली ज्वाइंट निकली होती है, उसको केशिकाएं यानी कैपिलरी कहते हैं और इसी के अंदर हमारा ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। अगर बात किया जाए जीवधारियों के अंतर्गत, तो जीवधारियों के अंतर्गत दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक को कहा जाता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और एक को कहा जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। एक को क्या कहा जाता है भैया? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और एक को कहा जाता है खुला। जैसे मनुष्य के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या नलियों में बहता है और हृदय के माध्यम से पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में प्रेशर से पहुंचाया जाता है। समझे? कैसे पहुंचाया जाता है? प्रेशर से पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि यह इनके देह गुहा में डायरेक्ट बहता है, जिसमें किसी भी सिरा की धमनी की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्किल का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना। इसी को कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी अगर रुधिर जो ब्लड है हमारा, ब्लड अगर आर्टरी में, वेन में, कैपेलरी में यानी कि सिरा में, धमनी में और केशिकाओं में बहता है, गोल गोल घूमता रहता है, क्लियर, गोल गोल पूरा घूमता। जैसे यहां से ब्लड एक तरफ गया, हमारा हृदय लगातार काम कर रहा है, धक 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 धक, तो ब्लड आ रहा है ना उसके अंदर, आ रहा है तो चल रहा है, तो इसमें लगातार ब्लड जब गोल गोल घूमेगा तभी तो आएगा, तो इसी बात को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलो मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि कसम बता रहे अपनी जिंदगी में उतना मजा नहीं आया होगा। लेकिन पहले ये देखो, विलियम हार्वे कब भैया? 1628 में आता है और इसी ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण दो तरीके का होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब आप, हमने बंद वाला तो बता दिया, अब आपके मन में आएगा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच तिलचट्टा। किसमें पाया जाता है? काकरोच यानी तिलचट्टे में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? तिलचट्टे में पाया जाता है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग तुरंत। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए चलिए, गजब सर जी, मजा आ गया, मजा आएगा, टेंशन ना लीजिए, मजा तो बहुत आएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, चलिए इसको बताइए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सी
सी, वेरी गुड, चलिए यहां बाजी आप लोगों ने मार दिया, सभी बच्चों का एकदम सही होते जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि कोई गलत नहीं बता रहा है। एक है हमारे प्रदीप यादव भैया, एकदम सवेरे सवेरे सो के उठे हैं ताजा ताजा और बता रहे हैं, ये यही एक है महाशय गलत है और कई बार ले धक्का धक जवाब दिए पड़े हैं। चलिए, अरे रुक जाओ गुरुदेव, प्रदीप यादव क्लियर। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, इसको कहा जाता है वर्ग की। देखो यार, इसको जैसे हम लोग कई भागों में बांटते हैं, जीवन पढ़े हो कि नहीं, अगर जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्ग की में क्या होता है, इसको कई भागों में बांटा जाता है। कई भागों में क्या किया जाता है बेटा, बांटा जाता है, जीवन अधि जगत जगत, जीवन अधि जगत अधि जगत, जीवन अधि जगत, और सुने होगे नाम जगत, सुने हो ना, जगत होता है संघ वर्ग गण, संघ संघ वर्ग गण, ठीक है, संघ वर्ग गण, कुल वंश जाति, कुल वंश और जाति, ठीक है, कुल वंश और जाति। क्या कुल वंश जाति, तो अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, जैसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जीवधारियों का अगर वर्गीकरण की बात किया जाता है तो वर्गीकी के अंतर्गत बेटा आप लोग देखते हो कि यह इतने भागों में बटा होता है। चलिए, इतने भागों में जीवन अधि जगत जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और जाति, ठीक है। चलिए, नीरज यादव वेरी गुड बेटा, देखो ये लिख रहे हैं ना, ये क्या लिख रहे हैं, सुबह सुबह आके लिख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं हमको कि आप भांग खाएं क्या, इनको मैं थोड़ा ढूंढ लूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए कहां, हाँ मिल गए नीरज यादव, चलिए हाँ चलिए, इनका काम हमने कर दिया यार, सवेरे सवेरे आके मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, एक से एक कलाकार सो के उठेंगे, अब बदतमीजी स्टार्ट, तो हम ये बताओ। चलो, इनका मैंने काम कर दिया, इनका गुड मॉर्निंग कर दिया सवेरे सवेरे, अभी तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, आ जाइए आगे। देखो, जीवन अधि जगत जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और जाति, आप लोगों को पता ही होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गी की, आप लोग सुने होंगे कि इसमें जीवधारियों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। खुश रहो भैया, आगे आ जाइए, अब हम आप लोगों से बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, महत्वपूर्ण प्रश्न की बेटा, कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, ठीक है, इसको हमारे सभी बच्चे बता देंगे, जल्दी से जल्दी बता देंगे। क्या कर दिया सर, ब्लॉक कर दिए बेटा, और क्या करेंगे, ऑप्शन रहता है, अगर इनके पास बदतमीजी का ऑप्शन रहता है तो हम लोगों के पास ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है ना, एक से एक बेहतरीन क्लास मिलती है चैनल पे, लगे रहते हैं सभी लोग, मेहनत करते रहते हैं। अब जैसे स्टार्ट किए हैं, 500 प्रश्न है, 500 हाई लेवल के प्रश्न है, मतलब अगर आप ये तैयार कर लेते हो एसएससी जीडी से लेके आपका वन डे लेवल पे कोई भी एग्जाम है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 100% मैं सारे प्रश्न आप लोगों के सामने ला के रख दूंगा, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसे नहीं बस आए तुरंत स्टार्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए आप प्रश्न का जवाब देके, देखिए हट जा रहा हूं मैं जरा दूर, देखो बेटा, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, बताएं सभी बच्चे, बी 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 बी, वेरी गुड यार, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड,
सभी बच्चों का एकदम बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। ये बड़ी जीव द्रव्य जुड़ा जीव द्रव्य अगर पूछेगा कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जीव द्रव्य के बारे में जो पता लगाया था वह जू जार्डिन, जू जार्डिन के द्वारा। याद रखना यार, मतलब देखो यहां से इस प्रश्न को आप लिखना, थोड़ा एक कॉपी बनाना, उस कॉपी में बहुत आराम से लिखना कि जुडार्विन ने सबसे पहले 1835 में इसको सारकोड के नाम से जाना। किस नाम से जाना? सारकोड से। हम बता रहे हैं जीव द्रव्य के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जब पहले ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो जरा मैं यहां पे बता दूं। जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य जीवन का कोशिका जो होती है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, ये हो गया आपका कोशिका। कोशिका मतलब सेल ना। आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अरबों की संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। तो ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं मेरे भाई प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसको कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। यह जीव द्रव्य क्या है? यह जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ना। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगर कहीं पे जीवन है, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो जिस तरीके से आपकी बैटरी होती है ना, आप सभी बच्चों के यहां इन्वर्टर तो लगा ही होगा, जैसे ही इन्वर्टर का पानी खत्म हो जाता है तो बैटरी काम करना बंद कर देती है। उसी तरीके से अगर सेल के अंदर ये लिक्विड ना हो तो ये काम करना बंद कर देगा। इसके अंदर, इस लिक्विड में होता क्या है? इसमें कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन जो होता है 10% होता है ना। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सारी चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है? इन सारी चीजों से मिलके बनता है जीव द्रव्य। तो जो जार्डिन था, इसने क्या किया था? इसने इस लिक्विड को, इस जीव द्रव्य को नाम दिया था। जो जार्डिन ने क्या नाम दिया था? इसने इसको कहा, एक मिनट भैया, हाँ, इसने डू जार्डिन ने इसको नाम क्या दिया था? इसी जीव द्रव्य को इसने कहा सारकोड। एक लाइन में लिखिएगा कि डू जार्डिन ने 1835 में जीव द्रव्य को सारकोड कहा। इसके बाद भैया आप लोगों को बताया हूं मैं, जे ई पुरकिंजे आएगा। कौन आएगा? पुरकिंजे। क्लियर? जे ई पुरकिंजे आएगा। और इसने क्या कहा? जे ई पुरकिंजे कहेगा जीव द्रव्य। क्या कहेगा? जीव द्रव्य, जे ई पुरकिंजे कहेगा। और बाद में, इसके बाद मैक्स सूज ने, मैक्स सूज ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिख दूं, जीव द्रव्य पूरा लिख दे रहा, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। अब मेरे भाई इससे ज्यादा प्रश्न बन ही नहीं सकता। इससे ज्यादा प्रश्न बन सकता है? एकदम बिल्कुल नहीं बन सकता है। यहां अगर आप, अच्छा एक काम करो बच्चों, क्लियर, यहां पे क्या लिख रहे हो भैया? कोशिका द्रव्य भी वही है या अलग है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो होता है अलग हो जाए। सुनो, अब एक बच्चा पूछ दे रहा है, इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे सवाल का जवाब भी देते चलेंगे, ठीक। देखो यार, यहां से यहां तक जो होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, और इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। सभी बच्चे समझना। और इसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा बच्चों? हिंदी लिख दें या इंग्लिश? साइटोप्लाज्म। को जो भी पूछना है पूछते रहिए, मैं जवाब देता चलूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
और इसमें केंद्र में जो बेटा होता है, केंद्र के अंदर ना ये गोला वाला है, हम दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। देखो ये लाल वाला जो बनाए ना, ये लाल वाला जो है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देख पा रहे हो बच्चे लाल वाला? लाल वाला नहीं दिख पा रहा होगा, तब भी ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा होगा। लेकिन हम क्या लिखे हैं हम बता दें, दूसरा कलर यूज कर दें। चलो दूसरा कलर यूज कर दे रहे हैं और इसको हम लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम अपने काले से ही लिख देते हैं, केंद्रक द्रव्य। क्या? केंद्रक द्रव्य। तो बच्चा मेरे ये दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है भैया? ये जो हमारा यहां जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य दो भागों में बांटेगा यहां से, यानी ये जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच है इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक में होता है इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जाहिर सी बात है सभी बच्चों को समझ में आया होगा ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो अभी हम लोगों ने यहां देखा कि डुजार्डिन ने 1835 में इस जीव द्रव्य को कहा सारकोड। आएगा भैया जेई पुरकिंजे क्या कहेगा? जीव द्रव्य कहेगा। मैक्स सूज ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। मैक्स सूज ने क्या दिया? जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। अच्छा सभी एकदम इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा कर्तव्य है बेटा, समझ रहे हैं? आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम आपके सवालों का जवाब ना दे पाए तो इस मंच पे खड़ा होने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक शिक्षक का ये परम कर्तव्य होता है कि वह अपने स्टूडेंट को जितना भी अपने पास नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयत्न करे, ठीक है? और यही हम लोगों की पूंजी है। चलिए हम ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, लास्ट में खत्म करके आप लोगों से बात भी कर लेंगे। यस सर यस सर। तो बच्चा आगे बढ़ेंगे यहां। तो हक्सले ने किसने दिया था? हक्सले। इसने क्या, हक्सले ने कहा था जीवन का भौतिक आधार। चले बच्चा आगे चलें। चलो गुड मॉर्निंग अमित कुमार, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। वातावरण और जीव के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, चले सभी बच्चे जवाब देंगे। वातावरण व जीव के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। मैं तुरंत आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों का सवाल का जवाब। देखो यार, अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। इसको कहा जाता है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या है बच्चों? अगर इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? अगर इकोलॉजी की बात किया जाए तो जैविक और अजैविक घटकों के योग को, जैविक और अजैविक घटकों के योग को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजी। सभी बच्चे ठीक है? आकाश आकाश दिवाकर आकाश अंजलि मोहित आकाश सभी बच्चों का सही है, चलिए वेरी गुड। तो याद रखिएगा कि जीवधारियों का जो आपस में अंतर संबंध पाया जाता है, किसका? जीवधारियों का जो आपस में अंतर संबंध पाया जाता है, यानी जो जैविक और अजैविक घटकों का योग होता है, किसका बेटा? जो जैविक और अजैविक घटकों का योग होता है उसी को भी हम किस नाम से जानते हैं? पारिस्थितिकी। यानी इसी को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब कहोगे जैसे देखो हम मनुष्य है ना, हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। हमारी पृथ्वी अगर गर्म हो रही है, समुद्र का पानी सूख रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है? ये अजैविक घटक है। हम लोग क्या है? जीवित है, तो हम लोग जैविक घटक है। तो वही कहता है कि जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतर संबंध। देखो अगर यार ये बताओ, अभी बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाएगा तब भी मर जाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी मर जाएंगे, हमारी उर्वरक शक्ति पृथ्वी की खत्म हो जाए तब भी मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाए तब भी मर जाएंगे। तो वही कहता है कि जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतर संबंध पाया जाता है। इतनी बात समझ पाए? चलो वेरी गुड।
आते बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न जरा पढ़िए आप लोग। चलिए, वेरी गुड। तो प्रश्न हमारा कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत जो है वह स्लाइडिन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था भैया? अब आप सर इसमें इलेक्ट्रिकल फर्स्ट बैच वालों की भी क्लास चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बैच में हो सभी बच्चों की क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए, किसी भी बच्चों की क्लास चल रही है। तो किसने दिया था कोशिका सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। अच्छा, यहां पे मैं यार पारिस्थितिकी शब्द के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? पारिस्थितिकी शब्द के बारे में बता रहा था। तो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वान हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम लोग इसका जनक कहते हैं, ठीक है, इसका क्या कहेंगे? इसका जनक कहते हैं। लेकिन अर्नस्ट हैकले ने, अर्नस्ट हैकले, नाम सुने होंगे भैया, अर्नस्ट हैकले का नाम जरूर आप लोग सुने होंगे। वेरी गुड, बी ऑप्शन, अर्नस्ट हैकले के द्वारा यह शब्द दिया गया था, यह शब्द दिया गया था, क्लियर, अर्नस्ट हैकले द्वारा यह शब्द दिया गया था। तो याद रखिएगा, जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ना, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और जो इसने जो शब्द दिया था, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैकले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आएंगे बच्चे हम लोग, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका सिद्धांत। सभी बच्चों का एकदम सही जा रहा है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है, सभी बी ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, सभी लोगों का सही है। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया था? इसको आगे बढ़ाया था 1855 में, इसको विर्चो ने आगे बढ़ाया, विर्चो ने आगे बढ़ाया। किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था? विर्चो के द्वारा, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ रहा होगा ये कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक कोशिका से होता है और प्रत्येक कोशिका में उसकी पूर्ववर्ती कोशिका के गुण पाए जाते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो भाई? प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक कोशिका से होता है, प्रत्येक कोशिका में उसके पूर्ववर्ती कोशिका के गुण पाए जाते हैं, यानी उसकी जो पहली वाली कोशिका होती है उसी से मिलकर बनता है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई, मतलब अलग अलग इकाई होती है, इसी को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। स्लाइडन और स्वान ने दिया था, 1855 में विर्चो ने आगे बढ़ाया था। चलो बेटा, तुरंत आ जाओ आगे, अगले प्रश्न की तरफ। जीवाश्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म के अंतर्गत, लीजिए मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, जीवाश्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, बी बी बी, वेरी गुड, सही जवाब। देखो, कार्बन 14 की समस्थानिक का उपयोग, इसको लिख लेना, यह प्रश्न भी आता है, फॉसिल्स डेटिंग प्रणाली क्या है। तो कि सबसे पहले जीवाश्म तो इतने बड़े हो गए सभी लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो ये समझ लो कि प्राचीन काल में जो जीव मर गए हैं उनके जो अवशेष अब हमको मिलते हैं उसी अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म। जीव के मरने के बाद उसकी हड्डियां या अन्य चीजें जो मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म के नाम से जाना जाता है।
और कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग करके जिसमें C14 यानी कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करके उसके जीवन की अवधि का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज क्या है? लो बेटा मैं हट जा रहा हूं, देखो एकदम आराम से तुरंत जल्दी से जवाब दे दो। जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज क्या है? सर ये SSC के लिए बेटा अमित कुमार यादव, ये SSC वन डे लेवल का कोई भी एग्जाम हो 100% भैया यहां से प्रश्न मिलेगा, परेशान ना हो। 9 का ए, चलो रास्ता सभी बच्चे भटक गए हैं। सबसे अगर पूछा जाए, गुड मॉर्निंग बच्चा, जीन ठीक है, DNA और न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, कहां गया, ये रहा DNA ना और न्यूक्लियोटाइड, यो टाइड से मिलके बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है उसको क्या कहा जाता है, जीन के नाम से जाना जाता है। जीन यह यूनानी शब्द है जो जीनस से बना है, किससे बना है, जीनस से, जीनस, जीन समझते हो ना। अगर देखो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के माता पिता के लक्षण उसके संतान में अस्तरित होते हैं, मतलब उसके अगर आप 10 लोगों के माता पिता को अगर एक जगह खड़ा कर दोगे ना तो उनकी आकाश शक्ल कम से कम 9 लोगों के एकदम हूबहू मिलेंगे, देख के बता दोगे। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण खोज है बेटा जीन। जीन क्या होता है, यह DNA ना, DNA और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। यह जीनस शब्द यूनान के जीनस शब्द से मिलकर बना है। माता पिता के आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। चलो बच्चा अगले प्रश्न की तरफ सभी बच्चे आ जाएंगे हमारे। कहता है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे इसका जवाब बहुत लोगों को। सर अवशेषी अंग क्या होता है, ये कौन पूछ रहे भैया, ये सतीश कुमार पूछ रहे हैं, नहीं सतीश राठौर। अवशेषी अंग जिस अंग का हम लोग बच्चा उपयोग नहीं करते हैं उसी को हम कहते हैं अवशेषी अंग। जैसे यहाँ पूंछ निकली हुई हल्की सी प्रतीक होती है नहीं लेकिन यह कभी यूज में होता था ना, जैसे आप वर्मी फोरम अपेंडिक्स क्रीम रूपी परिशेषिका हमारे अंध हमारी जो आहार नाल है उससे जुड़ी हुई एक संरचना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीम रूपी परिशेषिका, वर्मी फोरम अपेंडिक्स। अब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है तो उसी को कहा जाता है अवशेषी अंग। चलो बच्चों जवाब आ चुका होगा ऑप्शन डी। देखो यार यहां मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ आप लोग एकदम बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, 1.5 से कितने के बीच में होना चाहिए, 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, क्लियर, इतना होना चाहिए, ये चीज समझना। लेकिन आपातकाल की स्थिति कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए। देखो ये सवाल आएगा तो सवाल तो यहां से रहेगा, आप बताना 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, लेकिन इसको पूछने का इसका सेंस दूसरा है। कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, तो यहां पे ऑप्शन लगेगा बेटा 20,000 से कम नहीं होना चाहिए ना। अगर पूछेगा होना के होता कितना है तो ये होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। लेकिन ठीक है अगर एक स्वस्थ मनुष्य में जब इससे 20,000 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी दिक्कत उत्पन्न होती है। जैसे देखो यार कितना होना चाहिए, 1.5 और 4.5 लाख, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कम होगा तो क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो ना कि अगर कम होगा तो क्या होगा। कम होने पे बेटा एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और ज्यादा होने पे होता है थ्रोम्बो
साइटोसिस, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग इस समय ज्यादा प्लेट में कमी आ रही है, वेरी गुड, इस समय ज्यादा प्लेटलेट में कमी आ रही है, इसको जरा सा लिख लेना यार, इसको लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एक लाइन लिख लेना कि अगर हमारी प्लेटलेट्स, देखो जो चीजें बता रहा हूं वो किताबों में बहुत कम है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत मतलब कई जगह से इसको बड़ी सर्च करके बहुत इत्मीनान तरीके से निकाला गया है, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर मैंने ये 500 प्रश्न आप मेरे साथ सॉल्व कर ले गए, देखो यहां हम गिनती नहीं करवाएंगे कि नहीं हम एक दिन में 50 ठो पढ़ा दिए, क्लियर, हमारे पढ़ाने का तरीका दूसरा है, हो सकता है एक दिन में हम 20 प्रश्न 25 प्रश्न कराएं या एक दिन में 100 प्रश्न भी करा दें, लेकिन आपको उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि मतलब कोई प्रश्न फिर अछूता नहीं रहेगा। अगर आप मेरे साथ 500 प्रश्न कर लेंगे बेटा तो फिर बायो चाहे जहां से प्रश्न आएगा आप देखना 100% कर डालोगे। तो अगर इससे कम हो गया बच्चा तो इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिख लेना, और ज्यादा हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। चले बच्चा आगे, चलो तुरंत आ जाते हैं, चले ना भैया, चलिए। तो ये वाला हो गया 20,000 से अधिक, क्लियर, आप लोग अपनी जगह सही थे, ठीक है, आप लोग अपने जगह सही थे। अच्छा, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या पपीता, बकरी का दूध, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा टेबलेट भी आती है। जैव विकास के प्राकृतिक वरण का मत का प्रतिपादन किया था, जैव विकास के प्राकृतिक मत का किसके द्वारा किया गया था, 11वां प्रश्न है भैया, जल्दी से आप लोग जैव विकास वाला ये बता दीजिए, ठीक है, जैव विकास ये तो पढ़े हो गए यार, ये तो बता ही डालोगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बता दिए भाई, वेरी गुड, 11, हाँ ये राजनाथ पाल, ये लड़का देखो एकदम सुटेबल है, एकदम गजब का आंसर दिया, 11 सी देना इसी तरीके से चाहिए, ठीक है। चलिए डी बी ए हो गया, अब सबका आ रहा है, जो मूड में आ रहा है तो याद रखना। जैव विकास के प्राकृतिक वरण के मत का सिद्धांत जो दिया है किसके द्वारा दिया गया है भैया, डार्विन के द्वारा, इसी को हम लोग क्रम विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रम विकास का सिद्धांत ना, क्रम विकास का सिद्धांत, क्रम विकास का सिद्धांत। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या है क्रम विकास का सिद्धांत, इनका मानना है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, सब आपस में मिले हैं एक दूसरे से, सुनिएगा, इनका मानना है क्रम विकास का सिद्धांत है कि जिस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ उसी तरीके से यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। जैसे अगर हम मनुष्य का एक एग्जांपल दे दें तो पहले मनुष्य चार पैरों पे चलता था, क्लियर, मनुष्य पहले बंदरों की तरह था, बानर था उसको कहा जाता था, उस समय बानर कपी था, फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस के बाद उसको रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद नियंडरथल, नियंडरथल के बाद आज का मानव। यानी यह जो क्रम विकास का सिद्धांत है यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यह क्रम विकास का सिद्धांत क्या करता है बेटा, आगे बढ़ता है। आप सभी बच्चे इतना पढ़ के आए हो कि मनुष्य और बंदर ना, मनुष्य और बंदर क्या है, आपस में काफी मिलते जुलते हैं, तो ये कहता है कि जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़े हैं, इसी को कहा जाता है क्रम विकास का सिद्धांत। किस नाम से भैया, क्रम विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग फैक्ट कह रहे हैं कोई इस बैच से है तो सभी बच्चे समझ गए होंगे क्रम विकास का सिद्धांत, समझ में आ गया भैया, चले आगे, चलिए क्रम विकास का सिद्धांत, आइए आगे, अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला, शरीर पर हार्मोन का प्रभाव क्या होता है, लीजिए हम हट गए, शरीर पे हार्मोन का प्रभाव क्या होता है, आ गया होगा जवाब। गुड मॉर्निंग बेटा कमलेश, 12 का बी, सभी बच्चे इसी तरीके से 12 का ए बी लिख के देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, 12 का बी, वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है। हार्मोन जो होता है, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब जा रहा है, ठीक है, बैलिस,
ये जो हार्मोन शब्द है, हार्मोन शब्द प्राप्त किया था, सबसे पहला इन्हीं के द्वारा हार्मोन किया गया था 1903 में, और इसको जो इन लोगों ने नाम दिया था सिक्रेटिन, सिक्रेटिन नाम दिया था। अच्छा, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा हार्मोन के बारे में। किसके बात करेंगे भैया? तो कह रहा है शरीर पर हार्मोन का प्रभाव क्या होता है। देखो, जो हार्मोन होता है या हमारे शरीर में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कैसा कार्य करता है? उत्प्रेरक। सभी बच्चे 12 का जैसे ही ये बच्चे लिख के दिए हैं ना, संदीप कुमार मौर्य, उसी तरीके से आप लोग लिख के देंगे तो हम आप लोगों को समझ पाएंगे कि आप लोग कहां पे हैं। चलो, अब आप हार्मोन समझ लो। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरीके का केमिकल मैसेंजर होता है यार। हार्मोन कुछ है नहीं आपस में, ठीक है। हार्मोन जो है कि हमारे शरीर में ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, यहां थायराइड हो गई, ठीक है, यहाँ पे थायराइड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, किडनी के ऊपर जो पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, पुरुषों में जो होता है टेस्टिस, महिलाओं में जो होता है ओवरी, यस, तरह तरह की हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे जब बच्चा होता है उसकी आवाज पतली होती है, बड़े होने पर भारी हो जाती है, पुरुष के शरीर में महिलाओं के शरीर में काफी सारे परिवर्तन हो जाते हैं ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ना, ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती है बेटा? ये सारी चीजें हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? हार्मोन से। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए हार्मोन क्या है, हार्मोन जो होता है यह केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। किसके रूप में? केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। और इसका मेन हमारे शरीर में क्या है, यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? यह एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग जग गए। अच्छा, सभी बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं कि 7 बजे भैया मेरी क्लास ये चलेगी, ठीक है। और जिस दिन कल जैसे कल 7 बजे फिर पढ़ाऊंगा, और जब हमको नहीं पढ़ाना होगा तो हम बता देंगे, समझ रहे हो। मैं सुबह का समय इस वजह से लिया हूं ताकि जो भी नेट प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, ठीक है, नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है। शाम वाले में मैक्सिमम जो होता है कि काफी लोड होता है, तो ऐसे कंडीशन में सर्वर कभी डाउन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाता है, तो क्लास मजा नहीं आता। हाँ, ये है कि सुबह बेटा जगना बड़ा कष्टकारक है ना, इतनी सुबह जगना कष्टकारक है। लेकिन वह विद्यार्थी जो 7 बजे जग नहीं सकता ना, किताब खोल के लिख लो, उसको बड़ा दिक्कत होता है लाइफ में। अगर आप विद्यार्थी हैं, हाँ रात में पढ़ते हैं, लेकिन 7 बजे अगर नहीं जग रहे हैं तो रात में पढ़ने का भी क्या मतलब, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सुबह 7 बजे जगने की आदत डाल लीजिए। 7 बजे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को आपको समझाते हुए लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए, नहा भी चुका हूं, वेरी गुड। सर, बायोलॉजी की 500 क्वेश्चन की नोट आयुषी शॉप पे अवेलेबल है क्या? इसका मैं आप लोगों को भैया तुरंत पीडीएफ भेज दूंगा, या टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। यहीं पे एक सूचना दे दूं, ठीक है, ये कैमरा जो है, इस कैमरे की बैटरी अभी हम देख रहे हैं कि कम चार्ज है, हमने चार्ज में लगाया हुआ है लेकिन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है बेटा, तो कभी भी क्लास कट जाएगी, ठीक है। पहले ही मैं थोड़ी सूचना दे दे रहा हूं, फिर अभी अगर मैं इसके साथ ज्यादा इधर उधर करूंगा तो क्लास अभी कट जाएगी तुरंत, ठीक है। चलिए, तो अभी हम 10 मिनट और पढ़ा लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, अगर चल जाएगा तो फिर 1-1 घंटे और पढ़ा देंगे। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न पे कहता है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों और जंतुओं दोनों के लिए प्रयुक्त तो होती है, तो जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे कौन सी। हट जा रहे हैं यार, लो हट गए। ऑप्शन हाँ भी अजय जी, चलिए, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों और जंतुओं दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन आना शुरू हो गया, वेरी गुड। वर्गीकरण विज्ञान, क्लियर।
वेरी गुड बच्चे ने एकदम, वर्गीकरण विज्ञान ये दोनों के लिए चलता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 13 लिख के 14 लिख के बच्चा जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे लीजिए, हम हट गए एकदम, आपको स्पष्ट रूपण दिखाई दे रहा होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं 14 का ए, वेरी गुड। आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, बहुत सारे बच्चे नए होंगे तो सभी, जितने बच्चे नए हैं वो सभी याद रखेंगे कि जो चिकित्सा शास्त्र का जनक होता है उसको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। किस नाम से जाना जाता है, हिप्पोक्रेटस। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है, डॉक्टर इन्हीं की शपथ लेके कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जितने भी रोगी चिकित्सक होंगे उनके, अरे जितने भी रोगी होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे। डॉक्टर बनना अपने आप में आसान नहीं है, एक से एक विभत्स, पता चला शरीर कट गया है, तरह तरह की चीजें, आदमी घबरा ना जाए तो कसम उसम दिला के भेजा जाता है। जितने बच्चे अभी मुझसे लाइव जुड़ पाए हैं, मैं सभी बच्चों को बता दूं कल मेरी ये क्लास 7 बजे फिर होगी, ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं 500 प्रश्न कराने वाला हूं, जिसके अंदर ये टारगेट नहीं है कि एक दिन में मैं 50 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन हाँ जब भी मैं प्रश्न कराऊंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि आपका कभी भी कोई भी प्रश्न, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, वन डे लेवल नहीं, आप पीसीएस लेवल तक का एग्जाम जाके बैठ के दे लेना, अगर प्रश्न नहीं आए तो बताना। चलो आगे भैया, अच्छा आओ कल्लू टीवी देखे, बहुत सही कमलेश केसव, हाँ ये हो गया ना हिप्पोक्रेटस। अगले प्रश्न पे आए, अगले प्रश्न पे हम आ रहे हैं। जय हो मेरे सर जी शिवा उपाध्याय, इसका लो भैया हटे हुए हैं। करा आधुनिक वर्गी की के जनक कौन है, बूफो, मार्सेलो, मेलपीकी, कैरोलस, लिनियस। ये प्रश्न तो सिंपल है, दो चार प्रश्न सिंपल भी डाल दिया हूं तो ये तो बता ही दोगे। 15वां क्लियर, पता है ना यार, आधुनिक वर्गीकरण का देखो सबसे पहले आता है अरस्तु। कौन आता है, अरस्तु। अरस्तु क्या किया था, अरस्तु समूह में बांटेगा, किसमें बांटेगा, समूह में बांटता है। कौन, अरस्तु। ये एक को क्या कहेगा, एक को कहेगा वनस्पति जगत और दूसरे को कहेगा जंतु जगत। इतनी बात समझ में आया, कौन यार, अरस्तु, ठीक। लेकिन यहीं पे आएगा लीनियस, कौन आएगा, लीनियस, 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 लीनियस आएगा। और यहां समूह लिखा गया है, महान टैलेंटेड था, कुछ नहीं करेगा, यहां पे लिख देगा जगत, और ये भी वही दो भागों में बांटेगा, एक को कहा जाएगा पादप जगत या वनस्पति जगत और दूसरे को क्या कहा जाएगा, जंतु जगत। तो इसको कहा जाता है कैरोलस लीनियस, क्या कहा जाता है, कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है, और यहीं से वर्गीकी की शुरुआत हुएगी ना। तो पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस ना, कैरोलस लीनियस, वेरी गुड बेटा, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। और वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में 5 जगत प्रणाली चलती है ना, विटकर आया था, विटकर ने 5 जगत प्रणाली दिया था, यानी 5 भागों में बांटा है, ठीक है, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, कवक, ठीक है, कवक होता है, उसके बाद पादप, पादप, उसके बाद जंतु, इतने भागों में बांटा है, मैमेलिया, स्तनधारी, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये किसके द्वारा, ये विटकर के द्वारा किया गया है। तो याद रखिए अरस्तु आता है या सिर्फ समूह लिख के जाएगा, यानी जंतु, जंतु जगत, पादप, जंतु समूह, पादप समूह, क्लियर। और दूसरे बात लीनियस आएगा, लीनियस जगत शब्द का, इसने समूह अंतर कुछ नहीं है, इसने समूह शब्द लिखा हुआ है और इसने लिखा है जगत, बाद में आएगा विटकर और ये इसको 5 भागों में बांट देगा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फवक, हाँ चलिए।
अब इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आ जाइए अगले प्रश्न पे। सर्प विज्ञान एकदम सिंपल सा प्रश्न है। हाँ एकदम, लीजिए मैं दूर हट गया हूं। कहता है सर्प विज्ञान है, सर्प विज्ञान क्या है? सर्प विज्ञान ओफियोलॉजी। तो हम आगे बढ़ जाए ना, सर्प विज्ञान क्या है? ओफियोलॉजी। ये बच्चे बच्चे को पता है तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे भारत देश में 104 तरीके से ज्यादा भी सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 6 प्रजातियां, ठीक है, 6 प्रजातियां काफी खतरनाक तरीके की होती हैं। उसके अलावा जो होते हैं उनमें विष नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम 6 तरीके के सांप हैं जो भारत में ज्यादा विषैले श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए सर, 2020-21 का ऑफलाइन क्लास चलेगी? देखो बेटा, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा हुआ है एकदम 100% पूरा कराया जाएगा। ठीक, हम लोग ये ऑनलाइन सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग, अगर ये लॉकडाउन की स्थिति है तो हमारे बच्चे को ज्ञान मिलता रहे, बस क्लियर। उसके बाद जैसे ही कोचिंग खुलेगी तो जहां से हम लोगों ने आपको छोड़ा था एकदम वहीं से एक एक बच्चे का हम लोग कोर्स कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए संस्था पूरी तरीके से सदैव प्रतिबद्ध रहती है। चलिए बच्चा आगे आ जाए। सर मेरे, मुकेश कुमार, सर मेरा शादी है, सर मेरा शादी है। अच्छा, तो मुकेश कुमार क्या मतलब निमंत्रण दे रहे हैं क्या हम लोगों को आने के लिए? देखो बच्चा, मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरा ये जो है कि अभी कैमरा कभी भी बंद हो सकता है। 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अगर ये कैमरा चलता तो शायद मैं 2 घंटा पढ़ाता आज, ठीक है। और जब भी चलेगा तो हम पढ़ाएंगे पूरा, प्रश्न नहीं देखना है। बधाई हो। चलिए, जल्दी खुलने वाली बेटा कोचिंग, जल्दी खुलने वाली। कोचिंग के चक्कर में बच्चों परेशान ना हो, अगर ऊपर वाला चाहा, देखो हम बहुत बड़े ज्ञाता तो नहीं है लेकिन हमको जहां तक लगता है इस महीने के 15-20-25 तक के अंदर खुल जानी चाहिए कोचिंग, ठीक। ये कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, अपनी तरफ से बता रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि भारत सरकार की तरफ से नहीं, माहौल को देखते हुए। आइए अगले प्रश्न पे बात ना किया जाए। सर कैसे हैं? बढ़िया है भैया। आइए, तो कहता है जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। लीजिए स्पष्ट रूपेण देखिए, मिस यू सर जी, यूपी ट्रिपल एससी जेई की क्लास सर जी। अभी तो बेटा जहां तक लग रहा है कि शायद 15 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। प्रश्न का जवाब दें, प्रश्न का 17 का ए, वेरी गुड सभी बच्चों का। रेडियो बायोलॉजी, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। रेडियो बायोलॉजी कह रहा है पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन है। ये प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है बेटा लाइक करते चलिएगा, कम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, पहला दिन है, ठीक है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है ना, जब पहले दिन बढ़िया परफॉर्मेंस होता है तो उत्साह बढ़ जाता है और ज्यादा मजा आता है। अभी मैंने आप लोगों को लगभग 20 प्रश्न कराए हैं लेकिन ये 20 प्रश्न आपके कभी भी 100 प्रश्न से कम नहीं होंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा। चलिए सी 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 आने लगा, ऑप्शन सी। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे बताते चलिए। यूथेनिक्स होता है भैया, यूथेनिक्स ना, पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किसमें किया जाता है? यूथेनिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? यूथेनिक्स में किया जाता है। कुछ बच्चों का सही जवाब संदीप कुमार मौर्य का, खुश रहो भैया। अंकिता कुमारी बेटा खुश रहिए। चलिए कह रहा है पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किसमें किया जाता है? यूथेनिक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कहता है कि देखो यार, वातावरण का जो हमारे मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके लिए क्या किया जाता है? यूथेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूथेनिक्स में इन सारी चीजों की जांच की जाती है। आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, ये सब तो आप लोग इंजीनियर आदमी हो एकदम याद ही होगा ना, इंजीनियर से बढ़िया कौन चलाएगा। जल्दी से 19, ये लड़का बहुत सही बच्चा है, जल्दी बताइए भैया। देख पा रहे हैं आप? ये भी नहीं कह सकते कि हम देख नहीं पा रहे हैं, देखिए हम एकदम इत्मीनान से हट जाते हैं, स्क्रीन आप लोगों के लिए क्लियर कर देते हैं।
सर जी मेरे चारों विकल्प को नाम भी रखा है लड़का स्मार्ट यादव, वेरी गुड यार। चलिए तो इसमें आप लोगों का एक बच्चा सही बताया है बलराम वर्मा, उसके अलावा आप सभी लोग एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो एम नोल व ई रस्का ने, हट जा रहे हैं थोड़ा सा देख लो नहीं तो जल्दबाजी हो जाएगी। एम नोल व ई रस्का ने, चलो आ जाओ। अच्छा एक चीज और, इसका मैं पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी इसके टेलीग्राम पे इसका तुरंत मिल जाने वाला है, और कल जरूर आइएगा, नहीं तो आगे का प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और नेट से ढूंढोगे तो गलत होने की संभावना लगभग 50%। चलो, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक 19वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ये वैज्ञानिक थे। चलिए 19वीं शताब्दी में भी घूम आते हैं। प्रश्न नंबर 20 है बेटा, प्रश्न नंबर 20। बीस का ए, बहुत सही। अच्छा एक लड़का अगर ऑप्शन दे दिया तो सब वही मारोगे, दूसरा नहीं मारोगे, लेकिन लड़का सही है। अच्छा सब 20 का ए मार रहे हो ना, वाह 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 रे मेरे शेरों, लगाए रहो। अच्छा एक चीज है, आप लोग हार नहीं मानते, क्लियर। तो अब हमारा कैमरा जो है कि रेड दिखा रहा है, यानी कुछ ही मिनट के अंदर बंद हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी कुछ देता चलूं ना, नहीं तो अटेंडम बंद हो जाएगा, बात भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों हम लोगों की ये क्लास जो होगी डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे, डेली नहीं ठीक है, सप्ताह में इसको 4 दिन लेंगे। कल उपस्थित हुए, जब आएंगे कल आप लोग तो इसका टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा, जो भी क्लास चलेगी आप लोगों को तुरंत इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्लियर। जैसे आज हम लोगों ने कितना प्रश्न किया, आज हम लोगों ने 23 प्रश्न किया है, तो कल इसको 50 पूरा किया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक प्रश्न के साथ 4, 5, 6 प्रश्न या इसका एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देता चलूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा न पढ़ा है तो उसको भी चीजें समझ में आए, क्लियर। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप रोज मुलाकात करिए सुबह 7 बजे, अभी जब तक एकदम अपने से नहीं बंद होगा हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे भी। चलिए आ जाइए। अगला कहता है जीवाणु को सर्वप्रथम देखा, ठीक है, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सर जी पोल्टी का भी चलेगा, पोल्टी बेटा बिल्कुल चलेगा, पोल्टी का भी प्रश्न उत्तर कराएंगे, सब कराएंगे। देखिए अब आ गए हैं तो आ गए हैं, लगे रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। सुबह 7 बजे आप भी उठिए, हम भी उठते हैं। जीवाणु को सर्वप्रथम देखा, इसका तो आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे होंगे, दिख रहा है ना, आप संदो हट गए। हाँ ये बढ़िया प्रश्न है, जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा, एंटी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है कि फादर ऑफ बैक्टीरिया एंटी वॉन लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। अब ये प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएंगे, पौधे के रोगों का अध्ययन होता है, चलिए पौधे के जो रोग होते हैं, पौधे के रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। गुड मॉर्निंग भैया ओम प्रकाश, चलिए जल्दी से बता दीजिए, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है किसके अंतर्गत होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग ए बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो गए, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, पादप कारेकी में क्यों होगा यार, पादप कारेकी में क्यों होगा, इसका जो होता है रोग विज्ञान में होता है, जब रोग है तो रोग ही विज्ञान में होगा ना, तो इसका 22 का क्या हो जाएगा, ठीक है 22 का हो जाएगा बी, रोग विज्ञान, क्या हो जाएगा बेटा, रोग विज्ञान में होता है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, प्रथम महान वर्ग की वैज्ञानिक थे, चलिए प्रथम प्रश्न अभी मैंने समझाया था, अगर दिमाग में होगा तो आप इसको 100% सॉल्व कर ले जाओगे। करा प्रथम महान वर्ग की वैज्ञानिक थे, कौन थे, वेरी गुड डी,
हाँ डी, जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने इसको समूह कहा था, अरस्तु ने इसको क्या कहा था, समूह में बांटा था, जंतु समूह वनस्पति समूह। वेरी गुड, सभी बच्चे का एकदम धड़ाधड़ ऑप्शन सही जा रहा है। तो अरस्तु आए थे, उसके बाद आएगा कैरोलस लीनियस। कौन आएगा भैया? कैरोलस लीनियस। और ये क्या कहेगा? जगत कहेगा। क्या कहेगा? जगत। तो इसको कर देते हैं अरस्तु। क्या कर देते हैं बेटा? इसको हम कर देते हैं अरस्तु। अभी समझाया ही था। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब सभी बच्चे तुरंत दे देंगे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बताइए आप लोग, बताइए, हम इसको थोड़ा सा देख लें, अगर